बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है और आरोप करता है कि पैसा मेरा लूटा लिया। तो ये करप्शन जो पैसा कहाँ से आ रहा है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर? ये सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है, तो वो पेटीएम में। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? ये रह गया डीमोनेटाइजेशन और करप्शन। निशिकांत जी भी बहुत अच्छा बोल रहे थे उनके स्टेट का इशू। मैं उनको पूछने वाली हूँ कि मैं भी दंग रह गई जब वो करप्शन और भ्रष्टाचार के बारे में। अच्छा है, भ्रष्टाचार देश मुक्त होगा तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। एक बार करके तो दिखाएं आप, जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा। सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो ये जब आप करेंगे तब मैं उनको याद दिलाना चाहती थी कि ये जो पेटीएम स्टोरी है सर, दो तीन मिनट लूंगी मैं, खत्म कर दूँ, मैं बजट पे ही बोल रही हूँ सिर्फ। ये पेटीएम का स्टोरी है, मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डी मोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा बड़े एड्स किसके आए थे? तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन लड़ रहा है? तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है, तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? फिर डीमोनेटाइजेशन करना गलत था कि पेटीएम गलत था या टेक्नोलॉजी गलत है? और फिर निशिकांत जी कह रहे इतना पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इतना कैश इन सर्कुलेशन आया कैसे? अगर आप डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो इतना कैश आया कैसे कि जो आप पकड़ रहे हैं सिलेक्टिवली? इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते हैं, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया। अभी आप बोलते हैं ये करप्शन नहीं है, तो क्या आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है और आरोप करता है कि वो हो। नहीं नहीं, मैं करप्शन की बात, वो झारखंड का कह रहे थे, मैं महाराष्ट्र का कह रही हूँ। तो जैसे वहाँ हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो ये करप्शन जो पैसा कहाँ से आ रही है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर? अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त करना, तो मैं भी वही चाहती हूँ ना सर।